निहत्थे लोगों पर लाठी और गोली चलाने, आश्वासन दिए जाने के बाद भी बिहार के बेरोजगार युवकों को रोजगार नहीं दिए जाने आदि सवाल को लेकर बुधवार को जन अधिकार पार्टी के समर्थकों ने पटना गया रेलखंड के जहानाबाद रेलवे स्टेशन पर इंटरसिटी एक्सप्रेस को रोककर अपने गुस्से का इजहार किया। हालांकि इस ट्रेन को रोके जाने के कारण अन्य ट्रेनों के परिचालन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। मौके पर पहुंची जीआरपी एवं आरपीएफ के हस्तक्षेप के बाद वे लोग ट्रैक से बाहर हो गए। पार्टी के प्रदेश महासचिव सत्येंद्र प्रसाद यादव के नेतृत्व में पार्टी कार्यकर्ता रेल ट्रैक पर पहुंच गए और उन लोगों ने धरना दे दिया। प्रदेश महासचिव ने मोदी सरकार को अंग्रेज सरकार की संज्ञा देते हुए कहा कि जिस तरह से अंग्रेजों द्वारा देश में गरीबों को इंडियन सिपाही से ही हत्या कराई जाती थी, उसी तरह केंद्र में बिहार सरकार के अधीन काम करने वाले प्रशासन के लोग निहत्थों पर लाठी और गोली चलवा रहे हैं। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने बिहार के बेरोजगार युवकों को रोजगार देने का आश्वासन दिया था, लेकिन उन्होंने उन बेरोजगारों को अपने पर छोड़ दिया। उन्होंने कहा कि विपक्षी दल के लोग आज बेटी बचाओ का आलाप कर रहे हैं, उन्हें यह मालूम होना चाहिए कि उन्हीं के रहते महागठबंधन की सरकार में मुजफ्फरपुर में यह घटना हुई है। उन्हें यह बताना चाहिए कि वहां की लड़कियों के साथ जो घटना हुई है, क्या इसके लिए वे जिम्मेदार नहीं है। उन्होंने कहा कि राजद के लोग मातम पूर्सी करने के बजाय साइकिल जुलूस निकालकर नाटक कर रहे हैं, इस प्रदेश का इससे ज्यादा दुर्भाग्य क्या हो सकता है। आज हमारे पूरे देश में कार्यक्रम चल रहा है, हर सवा दो लाख बासठ हजार बिहारियों पर अत्याचार हो रहा है। बिहार में इतना बड़ा हर कॉलेज स्कूल हर सेंटर रहते भी बिहारियों को जबरन सिर्फ बर्बाद करने के लिए, गरीबों को तबाह करने के लिए, बताइए बिहारी को सेलम, सेलम वाले के यूपी, यूपी वाले के मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के वाले के पश्चिम बंगाल, ये क्या सरकार का ये दोगलेपन नीति कब तक चलेगा गरीब के साथ। भाई बराबर इधर हैं बिहार सरकार में, पक्ष वाले क्या बोल रहे हैं तो आप समझ रहे हैं, विपक्ष वाले बोल रहे हैं। आज क्या किया आप लोग ये बताइए जी। आज कंप्लीट पूरे बिहार में रेल चक्का जाम है और जाम रहेगा। किस बात को लेकर बिहार, बिहार के 2,62,000 लड़के के साथ खिलवाड़ के विरोध में हम लोग एक कार्यक्रम शुरू किया है। चलिए ठीक।